विश्व के लिए आफत बनी कोरोना महामारी की वैक्सीन का सबको लंबे समय से इंतजार है। वहीं इस इंतजार से पहले आज करनाल में ड्राई रन किया गया। ड्राई रन का मुख्य उद्देश्य यह था कि यहां पर जो खामियां होंगी वो कोरोना की वैक्सीन लगते समय ना हो, यानी पूरी तैयारी के साथ कोरोना की वैक्सीन लगे। इस मौके पर करनाल में कुल 6 सेंटरों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया, जो कि 3 शहरी जगह में और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। करनाल शहर में कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल, रामनगर डिस्पेंसरी, प्राइवेट हॉस्पिटल पार्क में ड्राई रन किया गया है। वहीं 3 ग्रामीण क्षेत्र कुंजपुरा, संभाली तथा कुटेल के स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई रन हुआ। 1 सेंटर पर ड्राई रन करीब 30 लोगों पर किया गया। पहले लाभार्थी जिस पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया, उसका सबसे पहले रजिस्टर में नाम चेक किया गया, फिर उसके हाथ सैनिटाइज किए गए। उसके बाद वो प्री वैक्सीनेशन रूम में जाकर अपने नंबर के इंतजार में बैठ गया, जहां पर बोर्ड पर लगे पोस्टर के जरिए वह तमाम जानकारियां पढ़ सकता है। उसके बाद वैक्सीनेशन प्राप्ति कक्ष में एंट्री हुई, जहां उसका कंप्यूटर में डेटा चेक किया गया, उसकी पहचान पत्र चेक किया गया। उसके बाद उसी कमरे में सब जानकारी सही मिलने के बाद उसे कोरोना की डमी वैक्सीन दी गई। उसके बाद वो अवलोकन कक्ष में गया, जहां पर 30 मिनट तक वो वहां बैठा ताकि वो आराम कर सके और वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसकी जानकारी मिल सके। उसके बाद आखिरी पड़ाव में एक स्वास्थ्य कर्मचारी जो बाहर बैठा है, वो उस व्यक्ति से बात कर रहा है कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई, और जो तमाम जानकारियां वैक्सीन से जुड़ी हैं वो उसको दी। जिन लोगों पर वैक्सीन का ड्राई रन हुआ, उनके लिए एक वैक्सी पॉइंट बनाया गया है ताकि वो अपनी सेल्फी क्लिक कर सके। इस सबका जायजा लेने करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में उपायुक्त निशांत यादव भी पहुंचे। देखिए समाचार एक्सप्रेस के लिए तरुण मदान की एक रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देखिए समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के 2nd फ्लोर पर, जहां पर COVID-19 की वैक्सीनेशन के लिए मॉक ड्रिल होने वाली है, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर जगदीश दुरेजा जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है। शुक्रिया। आज के मॉक ड्रिल के लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई? जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये करनाल में मॉक ड्रिल वैक्सीनेशन की स्टार्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ 6 एरिया सेलेक्ट किए गए हैं जहाँ पे ये वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल चलेगा, जिसमें कल्पना चावला एक मुख्य पार्ट है, जहाँ पे हम लोगों ने 2nd फ्लोर पे इसका अरेंजमेंट किया है। और इसमें हमने 30 बेनिफिशरी सेलेक्ट किए हुए हैं, जो कि हमारे स्टाफ के ही एम्प्लॉई हैं। उनके पास पहले ही SMS जा चुका है, उनको स्लॉट दिया जा चुका है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक उनकी वैक्सीनेशन होगी। हमने यहाँ 5 काउंटर बनाए हुए हैं जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी होंगी। जो SMS उनके पास गया हुआ है वो गार्ड को दिखाएंगे, तभी गार्ड उनको एंट्री देगा, फिर उसके बाद वो वेटिंग एरिया में बैठेंगे। और वेटिंग एरिया के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठा है, जो उनमें से ऐप में से चेक करेगा उनका नाम, और जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा उसको वैक्सीनेटर के पास भेज देगा, और जो फिर हमारा वैक्सीनेटर है उसको वैक्सीनेट करके उनको नेक्स्ट रूम में, जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन एरिया है, वहाँ पर 1/2 घंटा उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। जब उनको 1/2 घंटा बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे तो हमारा मोबिलाइजर है जो उनको भेज दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे मैंने सुना है, इसके लिए एक स्पेशल तरह की सिरिंज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी जो नीडल है वो भी बाहर नहीं निकलेगी। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो स्पेशल नीडल हैं ये होती हैं, प्रेशराइज होती हैं, जैसे ही लगाते हैं इंजेक्शन अपने आप ड्रग चली जाती है और उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है और वापस निकाल लेते हैं। सर, एक टाइम में एक सिरिंज से मतलब प्रोसेस वही रहेगा जैसे पहले रहता है? हाँ, बिल्कुल यूज रहेगा। एक आदमी को एक ही इंजेक्शन लगेगा, एक ही टाइम लगेगा, एक ही। किसी को ये नहीं है कि 2 इंजेक्शन लगेंगे या अलग अलग उससे करेंगे, उनको एक ही इंजेक्शन एक वक्त में लगेगा। जब वो एक आ जाएगा ऑब्जर्वेशन एरिया में, तब उसको दूसरे को इंजेक्शन लगेगा। सर, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, अगर एक वैक्सीन को लगाने में, मतलब एक जो आपके बेनिफिशियरी है उस पर कितना समय लगेगा? 5 मिनट हमारा जो टोटल है, 5 मिनट का समय है, और हमारा 1/2 घंटा जो है ऑब्जर्वेशन एरिया में रहेगा, तो टोटल मिला के 30 से 35 मिनट का जो समय लगेगा। पेशेंट के ऊपर 35 मिनट आप रहेंगे, 30 मिनट आपके ऑब्जर्वेशन रूम में रहेगा, 5 मिनट वो उसको वैक्सीनेशन का, हाँ 5 मिनट टीकाकरण में और 1/2 घंटा यहाँ पे रहे। मतलब एक सवाल है मेरे मन में भी, सपोज हमारा ये पहला चरण है, पहले चरण में हम लोग जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं हम उनको सिलेक्ट किया है डिपार्टमेंट ने, नेक्स्ट अगर सपोज अगर 1% कहीं पर भी किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की दिक्कत, मतलब किस तरह की दिक्कत आप सोचते हैं कि पेशेंट को आ सकती है? हाँ, कैसे है कि किसी भी टीकाकरण में किसी किस्म की दिक्कत कभी कभी आ जाती है, हालांकि इसका सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे है कि हम उस चीज़ के लिए भी तैयार हैं कि एक हमारे यहाँ एनाफाइलेक्सिस की प्रॉब्लम हो सकती है,
उसके लिए हमने अलग से किट रेडी करी है। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो उसके लिटाने का इंतजाम कर रखा है। अगर उससे ज़्यादा होती है कि हमें यहाँ पे पेशेंट को कहीं बाहर भेजना पड़ता है, अपने ओपीडी में किसी नीचे ले जाना है, कैजुअल्टी में ले जाना है, उसके लिए हमने व्हील चेयर रखी हुई है और बाहर हमने स्ट्रेचर भी रखे हुए हैं और हमारे मोबिलाइजर भी रेडी हैं। अगर वैसे तो लगभग ये फुल प्रूफ है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं, लेकिन अगर उस हो भी जाती है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। थैंक यू सर। अभी फिलहाल यहाँ पर शुभारंभ कितने बजे, 11 बजे का? 11 बजे का टाइम है, तो 11 बजे से ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। माननीय उपायुक्त महोदय अभी आएंगे और उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि लगभग 11 बजे उनकी उपस्थिति यहाँ पे होगी। ये देखिए, ये थे मेरे साथ मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश दुरेजा जी, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी किस तरह से मॉक ड्रिल होनी है और इसके अलावा अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है उससे निपटने के लिए भी पूरी तरह से हर तरह का इंतजाम किया गया है। एक पेशेंट के ऊपर 35 मिनट्स लगेंगे, 30 मिनट्स वो ऑब्जर्वेशन में रहेगा, 5 मिनट जबकि वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा उसमें रहेगा। देखिए, ड्राई रन कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। सारे स्टेप्स को मेरे को एज अ बेनिफिशियरी बहुत बखूबी समझाया गया, कंफर्टेबल फील कराया गया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आज दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत नई चीज़ है, राइट। और वैक्सीनेशन जैसी चीज़ को लगवाना, उसको अंदर भरोसा रखना एक बहुत बड़ा काम है, जो कि कल्पना चावला के स्टाफ ने, नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने बखूबी हमें समझा कर रिलैक्स कराया ताकि ये वैक्सीन को हम आराम से लगवा सकें। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम वापस डॉक्टर्स के पास, नर्सेज के पास आके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो पूरे प्रोसीजर को बहुत बखूबी समझाया गया और हमें कंफर्टेबल महसूस कराया गया कि कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज ने बहुत बढ़िया से ये पूरा ड्राई रन कंडक्ट किया। और वैक्सीनेशन जैसी बहुत अहम महत्वपूर्ण चीज़ जिसके लिए शायद पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है, वो ड्राई रन KCGMC के स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज ने बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। एज अ बेनिफिशियरी मुझे इस चीज़ में बहुत कंफर्टेबल फील कराया गया है, सारे स्टेप्स को बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो या आम इंसान हो, इस वैक्सीन को लेकर डर भी है, खुशी भी है और बहुत सारे सवाल भी हैं। उन सारे सवालों को FAQs के ज़रिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया। कोई भी क्वेश्चंस थे, कोई भी डाउट्स थे वैक्सीनेशन लगने के बाद, अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट हुआ, वो भी नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने अच्छे से हमें समझाया और उस चीज़ को लेकर रिलैक्स महसूस कराया। आने वाले दिनों में जो वैक्सीन आने वाली है, जब लगेगी तो आम लोगों को बेटर फील करें, तो उसके बारे में क्या बताना है? आम लोग इस चीज़ को लेकर बेहतरीन ज़रूर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि KCGMC में खासकर इस चीज़ को लेकर पूरे अच्छे बंदोबस्त किए गए हैं। सारे मैटर्स को बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा जो भी लोग वैक्सीन लगवाने आएंगे। तो मैं यही आशा करूंगी और यही संदेश देना चाहूंगी एज अ हेल्थ केयर वर्कर कि किसी चीज़ को लेकर उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। FAQs में हमको यही समझाया गया और बहुत आराम से पूरा प्रोसीजर कंडक्ट होता है, तो इसमें हड़बड़ी मचाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबका नंबर आएगा, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएँ हैं या पुरुष हैं, तो सब ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। और देश में या देश से इस COVID-19 की जो दुविधा हम लोग एक साल से महसूस कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से हटाने में अपना योगदान दें। मैम, आपको किसी तरह का डर तो नहीं महसूस हुआ? देखिए, डर ये ड्राई रन था। देखिए, वैक्सीन लगवाने के लिए किसी ना किसी को, और हर किसी को, चाहे किसी भी उम्र का इंसान हो, डर ज़रूर महसूस होता है। बट KCGMC के स्टाफ ने इस डर को भी बहुत बखूबी तरीके से कम करने में हमारी मदद करी है। आपके मन में कोई क्वेश्चन हुआ हो? क्वेश्चन देखिए, एज अ हेल्थ केयर वर्कर यही कि मतलब, क्योंकि जब आम जनता ये वैक्सीन लगवाएगी तो उनके लिए कितना सेफ है, बट ये वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, ये मतलब फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस के जरिए हमें बहुत अच्छे से बताया गया है। और जो भी वैक्सीन लगवाने आएंगे यहाँ पे, उनको भी ये जानकारी दी जाएगी। मेरा नाम प्रियंका डैंग है और मैं कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में। ये थे हमारे साथ पहले बेनिफिशियरी प्रियंका डॉन्ग थी, जो कि इन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर। इन्होंने हमें विस्तार से बताया कि किस तरह से इनको पहले इनको मेंटली प्रिपेयर किया गया, इनके मन में कोई भी दुविधा ना हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसकी इनको क्वायरी ना मिले। इन्होंने बताया कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बेहतरीन तरीके से इस सारे जो कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, बेहतरीन तरीके से किया गया। हर बेनिफिशियरी को पहले हर चीज़, हर स्टेप्स के बारे में बताया जा रहा है ताकि उनके मन में किसी भी तरह का संशय ना रहे। ये थे हमारे साथ पहले बेनिफिशियरी प्रियंका डॉन्ग। आज कुल 30 बेनिफिशियरीज इन्होंने सेलेक्ट किए हैं जिनको मॉक ड्रिल के जरिए वैक्सीनेट किया जाएगा। और इससे हमें कितना फायदा आराम से इसमें आज हमने करनाल जिले में जो हमारा
आने वाला वैक्सीन का समय है जब हम अपने कोविड का वैक्सीनेशन पूरे जिले के लोगों के लिए करवाएंगे, उसका ड्राई रन करनाल में कंडक्ट किया है। आज के दिन हमने छः करनाल में छः लोकेशंस पर ड्राई रन किया है, उसमें 3 अर्बन लोकेशंस और 3 रूरल लोकेशंस हैं। मैंने और एसपी साहब ने, हमारे सीएमओ साहब ने और पूरे हेल्थ की टीम ने, एक तो पार्क हॉस्पिटल में और उसके बाद हमारे कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस ड्राई रन की तैयारियाँ देखी हैं और तैयारियाँ काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री पाई गई। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 10,700 के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स जो कोविन सॉफ्टवेयर पे अपडेटेड हैं, उनको हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीरीज़ के ज़रिए से आने वाले समय में वैक्सीनेट करेंगे। आज हमने ये तैयारियां भी देखी हैं कि किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जो अलग अलग ऑफिसर्स हैं, वैक्सीनेशन ऑफिसर्स हैं, 5 ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ लगेगी, उसमें हमारे पुलिस पर्सनल भी होंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स भी होंगे, आईटी इंडिविजुअल्स भी होंगे, तो उन सब की डिप्लॉयमेंट का भी हमने जायज़ा लिया है और उनकी तैयारियां भी प्रशासन की तरफ से हो गई हैं। तो इन समरी में बताना चाहूँगा कि प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं आने वाले जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसके लिए, और हम बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से सारे के सारे हमारे जो फर्स्ट सीरीज़ के या फर्स्ट प्रायोरिटी के लोग हैं जो कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको हम वैक्सीनेट कर देंगे। सर, अगर आज की बात हो जाता है क्योंकि यहाँ पर शायद स्टोर वगैरह बनाया जा रहा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं उस चीज़? जी बिल्कुल, इसमें जो हमारे ऑल इंडिया लेवल पे जहाँ पे वैक्सीन से स्टोर की जाएंगी, ऐसे टोटल 7 सेंटर्स आइडेंटिफाई हुए हैं और उसमें करनाल उन 7 सेंटर्स में भी है। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली और करनाल 2 सेंटर्स अभी रखे गए हैं। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एक सेंट्रल स्टोर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका चयन किया गया है और यहाँ पे सेंट्रलाइज तरीके से वैक्सीन्स रखी जाएंगी जो कि आसपास के स्टेट्स में भी और हरियाणा के बाकी ज़िलों में भी यहाँ से भेजी जाएंगी। तो जी बिल्कुल, इस नज़रिए से करनाल का रोल और भी अहम हो जाता है। सर, अगर आज की बात करें, आज कितने लोगों को बेनिफिशियरी बनाया गया? आज जो हमारे टोटल 6 सेंटर्स हैं उसमें हर एक सेंटर पे 25 हेल्थ केयर वर्कर्स को हमने वैक्सीनेट करने का एक ड्राई रन की है, तो यानी टोटल 150 लोगों को वैक्सीनेट आज हमने थियोरिटिकली किया है। जी नहीं, तब जो नंबर ऑफ सेंटर्स हमारे बनेंगे वो इससे कहीं ज़्यादा बनेंगे, जितने भी हमारी PHC CHCs हैं वो भी सेंटर बनेंगी। हर एक गांव में जहां जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज़ या जगह अवेलेबल नहीं है, वहां पे हमारे कम्युनिटी सेंटर्स, बारात घर और भी जो कोई चौपाल हैं उनको भी सेंटर्स बनाया जाएगा। इसमें एक्सटेंसिवली हम जितने भी हमारे ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी आने वाले समय में मदद लेंगे। आज तो सिर्फ एक ड्राई रन था ताकि जो सिस्टम्स हैं इनकी तैयारी देखी जा सके, इसलिए सिर्फ हमने 6 सेंटर्स बनाए हैं। अभी करनाल में यूके वाला एक सिम्टम मिले हैं 2 लोगों में, उसमें क्या मतलब? वो दोनों केसेस हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन हैं और जो प्रोटोकॉल है उनके तहत उनकी दोबारा जांच कराई जाएगी और उसके बाद जब नेगेटिव आ जाएंगे तो हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे, उनको कॉन्स्टेंट विजिल पे हम रख रहे हैं। सर, वैक्सीनेशन की जो डोज है वो कितने इंटरवल में और कितनी डोज लेनी पड़ेगी? अभी जो फाइनल शेड्यूल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शेयर किया जाएगा, बट एज ऑफ नाउ जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली 20 डेज अपार्ट 2 डोजेज लगेंगी, एक जो पहले लगेगी उसके 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी। सर, डोज पूरी होने के बाद कितने दिनों में एंटीबॉडी बनने? सेकेंड डोज के 14 डेज के बाद एंटीबॉडीज प्रॉपर आनी शुरू हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2 हफ्ते बाद जो है प्रॉपर एंटीबॉडीज आ जाएंगी। डॉक्टर साहब, करनाल में कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा? अभी जो फर्स्ट फेज है उसमें 10,700 के जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उनको कोविन पोर्टल पर चढ़ा दिया गया, उनका सारा डाटा कर दिया गया अपलोड और उसी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फेज में उनको किया जाएगा। सर, यहाँ से वैक्सीन कितने राज्यों में पहुँचाई जाएगी? नहीं, जो हमारा सेंट्रल स्टोर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका जो आसपास के जितने हैं हमारे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड है, वहाँ यहाँ से जाएगी। देखिए, अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 4 फेजेज में ही कहा गया है, 4 फेजेज में जो फर्स्ट फेज है हेल्थ वर्कर्स हैं, सेकेंड फेज में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, थर्ड फेज में 50 साल की आयु से ऊपर वाले हैं और फोर्थ फेज में 50 साल के कम आयु जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। सर, अभी तक आप आज के अभी कितने सेंटरों का सर्वे कर चुके हैं? अभी मैं 4 सेंटर पे जाके आया हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर एंड एसपी साहब, उन्होंने 2 सेंटर विजिट किया, अभी बाकी जो 2 सेंटर है उसमें विजिट करेंगे। तो सर, कहीं पर कोई ऐसा लगा कि यहाँ पर और
सुधार की? नहीं, आज हमारी काफ़ी देर से हमारी तैयारियां चली हुई थी और बहुत अच्छा सभी जगह पे रिस्पांस देखने को मिला है। कोई छोटी मोटी चीज़ें, कुछ व्यवस्था की या स्पेस की इश्यूज होते हैं, वो हम आगे उसको क्लियर ठीक कर लेंगे। थैंक यू। देखिए, ये थे हमारे साथ करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से वैक्सीनेशन की डोज है और उसके बाद कितने दिनों के बाद एंटीबॉडीज़ बनते हैं। और इससे पहले आपने पूरा विस्तार से सुना है कि किस तरह से हमारे उपायुक्त महोदय निशांत कुमार यादव ने विस्तार से जानकारी दी है। करनाल में सेंट्रल स्टोर है, यहाँ से अलग अलग स्टेट्स में भेजी जाएंगी। पहले चरण में 10,000 से अधिक लोगों को पोर्टल पर चढ़ाया गया, पहले उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, उसके बाद अगले चरण की बात की जाएगी। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.